सो गाइस वेलकम बैक वंस अगेन। आप लोगों के लेके आ गया हूँ राइनोक्स का एक और जैकेट जिसका नाम है स्टेल्थ ईवो। ये एक प्रॉपर टूरिंग जैकेट है, ऑल वेदर में आप इसको यूज़ कर सकते हो। और जैकेट एक्चुअली देख के ही समझ में आ जाता है, जो राइडर्स ऑलरेडी राइड करते हैं उनको जैकेट देख के ही समझ में आ गया होगा कि ये टूरिंग जैकेट है, क्योंकि टूरिंग जैकेट में आपको ऐसे कार्गो पॉकेट्स ऐसे दिखते हैं एक्स्ट्रा अलग से, तो आप समझ जाते हो कि ये टूरिंग जैकेट है। तो इसके फीचर्स मैं आपके साथ फटाफट शेयर कर देता हूँ। सबसे पहला फीचर तो इसका मैं ये बता दूँ कि पूरा नॉक्स के आर्मर्स आते हैं इसके अंदर, आपको सब आपको लेवल टू आएंगे, एल्बोज, शोल्डर्स, आपको बैक पे भी आ जाएगा नॉक्स का आर्मर्स, चेस्ट पे भी नॉक्स है बट लेवल वन का आएगा, ठीक है, क्योंकि लेवल वन का आर्मर ही उसका इतना थिक और स्ट्रांग है कि ज़रूरत ही नहीं है कि यहाँ पे आपको लेवल टू का आर्मर डालना पड़े। और जितना ज़्यादा आप हैवी आर्मर भी डालते हो तो यहाँ पे बहुत हैवी होते जाता है। तो एक तो ये हो गया कि नॉक्स के आर्मर्स है। नॉक्स के आर्मर्स मैं क्यों स्पेसिफाई कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत कंफर्टेबल और सॉफ्ट होते हैं वो, आपकी बॉडी के मूवमेंट के साथ ना बहुत कंफर्ट रहता है, ऐसा हार्डनेस नहीं फील, ऐसा लगता नहीं कि आपका आर्मर हिट कर रहा है बॉडी को। तो वो एक बहुत अच्छा चीज़ है कि नॉक्स के आर्मर्स होने की वजह से बहुत कंफर्टेबल हो जाता है ये जैकेट। में आपको ना वेंट्स देखने मिलेंगे, मैश नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि इस जैकेट को बनाया इस तरीके से है कि अगर समझो आप विंटर में राइड कर रहे हो तो आप ये वेंट्स है, तो ये वेंट जो है आप बंद रख सकते हो ताकि हवा पास नहीं हो, क्योंकि मैश को बंद रखने के लिए फिर आपको ऊपर से रेन जैकेट या ऐसा कुछ पहनना पड़ेगा जो विंड ब्लॉक करेगी। बट इसमें ये वेंट्स देने की वजह से ना, जैसे कि अगर आप विंटर में राइड कर रहे हो तो मैं ये वेंट क्लोज कर दूंगा, और अगर मैं यही समर में राइड कर रहा हूँ तो मैं ये वेंट ऐसे ओपन कर लूंगा। और ये वेंट ओपन रखने के लिए यहाँ पे बटन दिया हुआ रहता है जिसमें अगर मैं ये पुश करूंगा तो ये यहाँ पे लॉक हो जाता है। तो ये एक खासियत है, और सिर्फ ये विंटर्स में नहीं, अगर आप समझो बारिश में अचानक से कहीं बारिश आ जाए, आप कभी ऐसी रेनी सीजन्स में आप ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से कहीं बारिश आ जाए, आपको शावरिंग रेन स्टार्ट हो जाए अचानक से, तो अगर ये वेंट क्लोज है तो पानी अंदर जाने के चांसेस कम होते हैं, वाटर पूरा रेप्लेनेंट हो जाता है, पूरा फ्लो हो जाएगा वाटर नीचे। तो ये एक अच्छा फीचर है कि इमरजेंसी में आप भीगोगे नहीं कहीं, अगर अचानक से बारिश आ गई आपको इतना टाइम मिल जाता है कि कहीं आप रुक के रेन जैकेट अगर आपको पहनना है तो आप पहन सकते हो। मोस्टली शावरिंग रेन में तो चल जाएगा बिना रेन जैकेट के भी, लेकिन अगर फिर भी आपको लग रहा है कि पहनना है तो आप पहन सकते हो, और हैवी रेन्स में तो डेफिनेटली आपको रेन जैकेट पहनना ही पड़ेगा, क्योंकि पॉसिबिलिटीज है कहीं से भी पानी तो जा सकता है, ऐसी वाटरप्रूफ जैसा जैकेट कोई नहीं होता है। तो एक तो ये चीज़ हो गई। और वेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो आपको सेम ये वेंट दोनों साइड मिल जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी आपको दिखा देता हूँ, चेस्ट में भी आपको ऐसे वेंट्स मिल जाते हैं, दोनों साइड मिल जाएगा इसमें। तो अगर समर्स में राइड करना है तो आप अगर वेंटिलेशन चाहिए तो ये भी हो जाएगा, और यहाँ हाथ में भी आपको दोनों साइड में वेंट्स दिए हुए हैं, ऐसे आप ओपन कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको साइड देख सकते हो, यहाँ पे भी वेंट है, यहाँ पर सेम ऑन द अदर साइड यहाँ भी आपको वेंट देखने मिल जाएगा। तो वेंटिलेशन के लिए अच्छा इन्होंने कर रखा है। और पीछे भी अगर दिखाऊं तो पीछे भी यहाँ पर है ना आपको वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे दोनों साइड में ना जिपर्स है, ये जिपर्स खोलेंगे ना तो वेंट्स दिख जाएंगे आपको, या दोनों साइड में आपको ये दिख रहा है, जस्ट ओपन किया ये वेंट दिख जाएंगे आपको, तो आपका एग्जॉस्ट वेंट ये हो जाएगा और यहाँ से आपकी एयर्स जो है सब पास होगी। अब इसको इसका कैसा है कि अगर आप जब जिप ओपन करते हो तो इतना ही पार्ट दिखता है, इसको थोड़ा एक्सपांड करने के लिए ना यहाँ पर एक फीचर दिया हुआ है, यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है। तो अगर ये जो बटन दिख रहा है ना आपको, इसको आप खींच के बाहर वाले स्लॉट में डालोगे ना तो ये हमेशा ऐसे ओपन रहेगा, एक्सपांड ही रह जाएगा, मतलब हमेशा ऐसे ही पोजिशन में रहेगा जब तक आपको चाहिए। तो ये भी एक अच्छा चीज़ लगा मुझे कि एटलीस्ट आप वेंट ओपन करके हुक बटन दिया वहाँ पे, ताकि वेंटिलेशन आपकी बहुत अच्छी और प्रॉपर रहेगी। और अगर फीचर्स की और बात करूँ तो आप ग्लव्स तो पहन ही सकते हो, डुअल जिप दिया हुआ है तो आप चाहो तो यहाँ पे ग्लव्स भी पहन सकते हो। सो मैंने कहा ना ग्लव्स पहनने के लिए आप ये इधर भी डुअल जिप दे रखी है, तो अगर आप वेंट खोलना है तो ऊपर वाली जिप का यूज़ कर सकते हो, और अगर समझो आपको जब ग्लव्स पहनने हैं तो ये नीचे वाली जिप आप ऊपर ले सकते हो, ताकि आपको नीचे यहाँ स्पेस हो जाएगा, ताकि अगर आपको फुल गाउंटलेट्स कुछ ग्लव्स या सेमी गाउंटलेट कोई भी ग्लव्स पहनने हो तो यहाँ पे आपको ये ईजी हो जाता है पहनने के लिए। और इसमें आपको कार्गो पॉकेट्स मिल जाएंगे दो फ्रंट में, तो यहाँ पे आप जो चाहे आप रख सकते हो अपनी पर्सनल चीज़ें जो आपको राइड के टाइम पे, बट मैं सजेस्ट करता हूँ कि कोई भी हार्ड चीज़ नहीं रखनी है, जैसे कि आप करेंसी रख लो, पेपर्स रख लो, आपके कार्ड्स वार्ड्स ये सब रख लो,
ऐसी चीज रखो जो आपको हर्ट ना करे एब्रेशन के टाइम पे. बाकी उतरने के टाइम, गाड़ी के उतरने के टाइम, गाड़ी की कीज वीज ये सब तो आप रख ही सकते हो, वॉलेट वॉलेट ये सब तो रख सकते हो, बट ज्यादा चीजें नहीं रखनी होती. यहाँ पे भी आपको साइड में पॉकेट दे दिया है जिपर्स के साथ, तो दोनों साइड में दो जिपर पॉकेट्स है और यहाँ सामने कार्गो पॉकेट्स दिख जाएगा. पीछे भी एक पॉकेट दिया हुआ है, बड़ा पॉकेट है ये, इसमें आप आपके रेन लाइनर्स, थर्मल लाइनर्स अगर कुछ रखना चाहते हो तो आप वो रख सकते हो. एक और पॉकेट दिया हुआ है, वो मैं दिखाना चाहूंगा. ये एक वाटरप्रूफ पॉकेट है, तो कोई भी ऐसी चीज जो आप बारिश में ट्रैवल करो, अच्छा बड़ा पॉकेट है, कोई भी ऐसी चीज आप इसमें रख सकते, जैसे वॉलेट हो गया या फोन हो गया, तो वाटरप्रूफ पॉकेट भी मैंने आपको बता दिया, तो इसमें आप जो भी चाहो रेनी सीजन में आप चाहो तो रख सकते हो इस पॉकेट में. और एक और चीज़ है नेक कफ के, यहाँ पे भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा. यहाँ पे ना ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एडजस्टर है, आप इसको ऐसे पुश करोगे ना ये आगे आगे फॉरवर्ड हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसको एडजस्ट कर सकते हो और फिर ये आप फिट कर सकते हो इसके ऊपर. तो ये भी एक अच्छा फीचर है. और इसके साथ ना आपको एक रेन जैकेट जो है राइनोस का H2GO रेन जैकेट, ये एक ब्लैक कलर का कॉम्प्लीमेंट्री आता है. अभी फिलहाल इनका ये ऑफर चल रहा है, कब तक चलेगा कोई आइडिया नहीं है, बट अभी आप इस जैकेट के साथ आपको एक रेन जैकेट जो है कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है, साथ ही में आपको एक लंबर सपोर्ट बेल्ट भी मिल रहा है. ये आप देख सकते हो ऐसा आता है, ये जैकेट के अंदर प्रोविजन है, तो मैं आपको दिखाता हूँ. एक स्लॉट आता है, उस स्लॉट के अंदर ये आप यूज़ कर सकते हो. और मैं ये भी दिखा दूँ आपको कि ये दो कलर में आता है जैकेट, एक ब्लैक जो मैंने पहन रखा है और एक ये ग्रे कलर में आता है, तो इसका लुक ऐसा है. मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि कहाँ आप ये यूज़ कर सकते हो बेल्ट, उसका स्लॉट किधर है. तो यहाँ आप देखोगे ना, तो यहाँ पे आपको स्लॉट दिख जाएगा, ये इस बैक आर्मर के पीछे से आता है, पीछे से होते हुए ये यहाँ से बाहर निकलेगा बेल्ट, तो दोनों साइड स्लॉट है. तो आप इस तरीके से इसको यूज़ करके, और जैसे हम एक लोअर सपोर्ट, एक लंबर सपोर्ट बेल्ट जो यूज़ करते हैं वेलक्रो से, ये वैसे यूज़ कर सकते हो. आप देख सकते हो वैसे वेलक्रो से आता है, जैसे खुल जाएगा और फिर इसी पे ही वापस लग के आप अपने अकॉर्डिंगली उसको पहन सकते हो जैकेट के अंदर. तो एक ये बेल्ट इसके साथ आता है. और अगर इसकी प्राइसिंग की बात करूँ तो 12,750 इसकी प्राइसिंग है. इस प्राइसिंग में आपको रेन जैकेट और वो लंबर सपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री रहता है. rhinoxguide.com पे भी जाके आप इसकी फीचर्स चेकआउट कर सकते हो, Rhinox के एक्सक्लूसिव स्टोर्स डीलर्स के पास भी आप विजिट कर सकते हो. अगर अच्छा लगा हो जैकेट आपको और उसका फीचर्स जान के अच्छा लगा हो, तो आप ये आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो वीडियो जो ऐसा कुछ जैकेट सर्च कर रहे हैं. इसके साथ 6 months की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वारंटी भी आती है. स्टिचिंग और जिपर्स की मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में कवर होती है. तो ऑनलाइन प्रोसेस ये है, मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी कहा था, rhinoxguide.com पे जाना है. इनके सपोर्ट सेक्शन में आपको फॉर्म्स मिल जाते हैं बहुत सारे, जैसे वारंटी क्लेम फॉर्म होता है, पेड रिपेयर फॉर्म होता है, इंश्योरेंस के लिए फॉर्म होता है. इसके ऊपर भी आपको 1 year का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का जो 50,000 का कवर आता है, वो आपको एक इंश्योरेंस 1 year के लिए जो वैलिडिटी होती है वो आप इसको रजिस्टर कर सकते हैं. हमेशा अपने गियर्स पहन के राइड करिए और बहुत सारी राइड्स प्लान करिए और बहुत एक्सप्लोर करिए. थैंक यू सो मच, राइड सेफ.